गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आई एम योर ईवीएस टीचर। वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। नाउ वी स्टार्ट ओपन न्यू चैप्टर। ओपन टुडे चैप्टर 8, नीड ऑफ शेल्टर। नीड यानी आवश्यकता, ऑफ शेल्टर हमें छाया की जरूरत, रहने के लिए आश्रय की जरूरत क्यों होती है। लुक एट दिस पिक्चर्स, टेक राइट द पिक्चर ऑफ हाउसेज यू हैव सीन। आपने जो इसमें से जो चित्र दिए गए हैं यहाँ पे, इसमें आपने जो आपने देख रखे हैं घर, उस पर आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है इग्लू, जो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से बना होता है, बर्फ वाला घर है ये। दूसरा है झोंपड़ी टाइप है, ये झोंपड़ी है। तीसरा है वेल बंगलो है, ये मल्टी पर्पज बिल्डिंग्स हैं। और इसके बाद है ये जो पानी में देने वाले जो घर होते हैं वो है, ये टेंट है। और इसके बाद ये हाउस है, एंड ये भी एक तरह का जो है घर है, इन पर आपको टिक लगाना है। एवरी लिविंग बींग नीड ए हाउस टू लिव। हर व्यक्ति को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ए हाउस प्रोवाइड शेल्टर, कंफर्ट एंड सेफ्टी। हाउस होता है, जो घर होता है हमारा, वह हमें क्या क्या प्रदान करता है? आराम और सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और छाया प्रदान करता है। शेल्टर फॉर अदर लिविंग बींग्स बिसाइड्स ह्यूमन बींग, लिविंग बींग आल्सो नीड ए शेल्टर टू लिव इन। हर व्यक्ति को, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, हर जीवित व्यक्ति को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। सम ऑफ देम लिव इन नेचुरल होम्स। कुछ जो होते हैं वह प्राकृतिक घर होते हैं। वेल अदर बिल्ड देयर होम ऑन देयर ऑन, और कुछ हम अपने द्वारा बनाते हैं। सम एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके लिए घर व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। ए हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। जो घोड़ा रहता है वो किस पे रहता है, किस में रहता है? अस्तबल में रहता है। ए डॉग लिव इन ए कैनल। डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो इसमें इसके रहने वाले घर को क्या कहते हैं? कैनाल में रहता है वो। ए काउ लिव इन ए शेड। गाय जो है शेड में रहती है, टीन के नीचे रहती है। ए हैन लिव इन ए कूप। जो मुर्गी होती है उसके रहने वाले घर को क्या कहते हैं? कूप कहते हैं। ए शिप लिव इन ए फोल्ड। जो भेड़ होती है वह उसे फोल्ड कहते हैं। वी ऑल लिव इन हाउस। हम सभी घरों में रहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म, हीट, कोल्ड, एनिमीज, थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स। हम घर होता है जो हमें वह बरसात से, तूफान से और गर्मी से, सर्दी से और चोरों से और आवारा जानवरों से बचाता है। वी फील सेफ एंड कम्फर्ट इन आवर हाउस। हम अपने घर में बहुत सेफ, सुरक्षित और आराम महसूस करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन ए केव। बहुत प्राचीन काल पहले, बहुत सालों पहले, प्राचीन काल में प्रिमिटिव मैन, आदि मानव जो था वह गुफा में रहता था। ही हैड नो आइडिया टू मेक ए हाउस। उसे कोई आइडिया नहीं था क्या बनाने के लिए, घर बनाने का कोई आइडिया नहीं था। ही ओनली wandered to protect himself from the adverse condition of weather and wild animals। वह केवल अपनी जंगली जानवरों और अपने मौसम की दशाओं के अनुसार अपनी सुरक्षा कर लेता था। Caves did not provide him any comfort। जो गुफा थी रहने के लिए उनकी, वह पूरी तरह से आरामदायक नहीं थी। Slowly as time passed by he learned to make house। धीरे धीरे उस टाइम पास होता गया, समय बीतता गया, उसने घर बनाना सीखा। इन द बिगनिंग ह्यूमन बिल्ट हाउसेज यूजिंग वुड, स्टोन, हे एंड मड। शुरू में उसने क्या क्या यूज़ किया घर बनाने के लिए? लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया। दे न्यू दैट दीज हाउस वर वीक। वो जानता था कि जो घर बन रहा है वह कमज़ोर था। स्लोली दे इम्प्रूव देम। नाउ दे
उसने स्लोली धीरे धीरे उसने इसको इम्प्रूव और विकसित करना शुरू किया. नाउ दे हैव ब्रिक्स सीमेंट वुड एंड आयरन टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हाउस. उसने अब क्या क्या शुरू करा उसमें लगाना, ईंटें सीमेंट लकड़ी और लोहा वगैरह आदि का उपयोग करना परमानेंट हाउस स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए और दीर्घकालीन हाउस बनाने के लिए, मतलब लंबे समय तक चलने वाले घर के लिए उसने क्या क्या उपयोग करना शुरू किया, ईंट का सीमेंट का लकड़ी का और लोहे का उपयोग करना शुरू किया. टाइप ऑफ हाउसेज, अब क्या है ये घरों के प्रकार है. द टाइप ऑफ हाउसेज वी बिल्ड एंड लिव इन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक द साइज ऑफ फैमिली एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन हु विल लिव कंडीशन रॉ मटेरियल अवेलेबल एक्सेट्रा. जो घर होते हैं, घरों के प्रकार होते हैं, वह किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर आधार वो होते हैं, वह साइज फैमिली के साइज के परिवार का आकार और उसकी ज़रूरतों के आधार पर वह हाउस लोग अपने अपने बनाते हैं. अगर बड़ी फैमिली होगी तो बड़ा घर बनाते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होंगी, ज़रूरतें ज़्यादा होंगी तो उस हिसाब से वह बड़ा घर बनाते हैं, छोटी फैमिली के लोग छोटा घर बना सकते हैं. हु विल लिव कंडीशन रॉ मटेरियल अवेलेबल एक्सेट्रा. वह यह और किस पर डिपेंड करता है हाउस के प्रकार, किस जो घर होते हैं उनके प्रकार किस पर, वहाँ की मौसम की दशाओं पर और जो वहाँ पे मटेरियल जो उपलब्ध है उसके आधार पर भी, उस पर भी निर्भर होते हैं. देयर आर थ्री टाइप ऑफ हाउस, यहाँ पे तीन तरह के हाउस दिए गए हैं, परमानेंट हाउस, टेम्प्रेरी हाउस एंड मूवेबल हाउस. परमानेंट हाउस होता है वह पक्का घर होता है, टेम्प्रेरी जो दीर्घकालीन हाउस होता है यानी वह हमेशा एक लॉन्ग लाइफ बना रहता है, टेम्प्रेरी हाउस जो होते हैं वह अल्पकालीन रहते हैं और मूवेबल हाउस वह चलने वाले घर होते हैं. परमानेंट हाउस में क्या होता है, यानी जिसे हम पक्का हाउस ही बोल सकते हैं. पीपल हु आर सेटल्ड इन वन प्लेस नीड परमानेंट हाउस. लोग जहाँ पे परमानेंट एक प्लेस एक ही स्थान पर हमेशा के लिए रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, परमानेंट हाउस कहलाते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड ए पक्का हाउस, यह पक्का हाउस भी कहलाता है. परमानेंट हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स सीमेंट वुड मेटल एक्सेट्रा. परमानेंट हाउस होते हैं पक्के हाउस, वो किस किस के बने होते हैं, ईंटों के सीमेंट के लकड़ी के और मेटल धातु वगैरह के बने होते हैं. दे दीज हाउस आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फॉर लॉन्ग, यह क्या होते हैं, यह हमेशा के लिए और मजबूत बने हुए होते हैं. दीज हाउस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़, ये हाउस जो होते हैं पक्के हाउस वो कहाँ पाए जाते हैं, शहरों में पाए जाते हैं. इन बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड. जो बड़ी बड़ी शहर होते हैं जैसे दिल्ली बम्बई वगैरह में बहुमंजिला इमारतें होती हैं. दूसरा है टेम्प्रेरी हाउस. टेम्प्रेरी हाउस क्या होते हैं, सम हाउस आर टेम्प्रेरी, ये अल्पकालीन रहते हैं. सच काइंड ऑफ हाउस आर वीक, ये वास्तव में ये वाले हाउस जो होते हैं वह कमज़ोर होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ मड स्ट्रॉ एंड बम्बू, ये किस किस से बनते हैं, मिट्टी से, गारे से और बांस से बनते हैं. दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउस, ये हम कच्चा हाउस भी कहते हैं. दीज हाउस आर डू नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, ये जो हाउस हैं ये घर हैं वह ज़्यादा समय के लिए नहीं होते. द हैव फ्लॉपी रूफ, इनकी जो है दे हैव फ्लॉपी रूफ, इनकी जो छत होती है वह छप्पर वगैरह की बनी होती है. समटाइम्स सच काइंड ऑफ हाउस आर डैमेज बाय हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉम, ये कभी कभी ये जो हाउस होते हैं कच्चे हाउस बहुत तेज बारिश से और तूफान से डैमेज हो जाते हैं, उनको हानि पहुंचती है यानी ये गिर जाते हैं. अब तीसरा है मूवेबल हाउस, यह सम पीपल डू नॉट स्टे एनीवेयर फॉर लॉन्ग टाइम और परमानेंटली, कुछ जो लोग होते हैं वो एक ही समय पर ज़्यादा समय तक नहीं रहते, वो काम के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते हैं. दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ लिविंग और फॉर अनदर वर्क, काम के लिए और रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं. दे मेक मूवेबल हाउस, वो क्या बनाते हैं अपने लिए, चलने वाले घर बनाते हैं. एक कारवां, ए टेंट, ए हाउस बोट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल हाउस. जो टेंट होता है, हाउस बोट होती है और जो ये चीज़ें हैं ये चलित घर के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं. जैसे टेंट और कारवां
और हाउस बोट, ये क्या है, चलित घर के उदाहरण है। एक कारवां इज ए हाउस ऑन व्हील्स, जो कारवां होता है वो क्या है, वो पहियों पर बना होता है। जिप्सीज यूज सच टाइप ऑफ हाउसेस, ये जिप्सी लोग जो थे वो इन इसका उपयोग करते थे। टेंट आर मेड ऑफ कैनवास, टेंट जो होता है वो कैनवास का बना होता है। सोल्जर स्काउट एंड एनसीसी कैडेट लिव इन कैंप, सोल्जर सैनिक स्काउट के जो लोग होते हैं, एनसीसी कैडेट कोर जो होती है उनके लोग जो होते हैं वो इस कैंप में ही रहते हैं। ए हाउस बोट इज ए फ्लोटिंग हाउस, हाउस बोट जो होती है वह क्या है, फ्लोटिंग हाउस है। दिस इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी होती है। इट इज़ फाउंड इन द लेक ऑफ कश्मीर, कश्मीर की झील में पाई जाती है। रूम्स इन हाउस, अब क्या है, हाउस जो घर में है, रूम्स कमरे। ए गुड हाउस शुड हैव ए स्पेयर प्लेस फॉर कुकिंग स्लीपिंग बाथिंग एंटरटेनिंग गेस्ट एक्सेट्रा, जो एक अच्छा घर होता है उसकी क्या पहचान होती है, वहाँ पे अलग अलग सेपरेट रूम हो, अपने अपने निजी अलग अलग रूम हो, जैसे खाने के लिए अलग हो, सोने के लिए अलग हो और मनोरंजन के लिए अलग हो, इस तरह से अलग अलग रूम होते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव वन रूम फॉर ईच पर्पस, ये अलग अलग अपने अपने लक्ष्य से बने हुए होते हैं। लेट अस नो अबाउट देम, हम अब इसके बारे में जानते हैं। किचन, किचन इज द प्लेस वेयर वी कुक आवर फूड, किचन जो होती है वह क्या होती है, हमारे भोजन बनाने के लिए स्थान का उपयोग होता है। ए किचन शुड हैव ए ब्रॉड एंड हाई कंक्रीट स्लैब फॉर स्टोव एंड ओवंस, जो होती है किचन हमारी, उसमें गैस और स्टोव वगैरह ओवन रखने के लिए एक स्लैब बनाई जाती है। नाउ ए डेज पीपुल बिल्ड इट्स वॉल एंड स्लैब बाय टाइल्स, जो अब लोग हैं वह जिस ये स्लैब टाइल्स की बनाने लगे हैं। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स इजी टू क्लीन, यह बहुत सुंदर दिखती है और आसानी से साफ हो जाती है। बेडरूम, बेडरूम इज द प्लेस वेयर वी स्लीप एंड टेक रेस्ट, बेडरूम ऐसा स्थान है घर का जहाँ पे हम सोते हैं और आराम करते हैं। ए बेडरूम शुड बी विल वेल वेंटिलेट, हमारा जो बेडरूम होता है वो सोने का जो स्थान होता है वह हमेशा हवादार होना चाहिए। वी शुड कीप आवर बेडरूम क्लीन एंड अट्रैक्टिव, हमें अपने बेडरूम को साफ और आकर्षक रखना चाहिए। ड्राइंग रूम इज द प्लेस वेयर वी रिसीव आवर विजिटर्स एंड रिलेटिव्स, ड्राइंग रूम ऐसा स्थान है घर का जहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं और मिलने वाले लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं और रहते हैं। वी ऑल्सो एंटरटेन देयर विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ भी वहाँ पर हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। इट मस्ट हैव ए सोफ़ा ए सेंट्रल टेबल ए टीवी एक्सेट्रा, इस यहाँ पे क्या क्या रखा जाता है, एक सोफ़ा रखा जाता है, सेंट्रल टेबल और टीवी रखी जाती है फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए, उनके बैठने के लिए और मनोरंजन करने के लिए। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम इज़ द प्लेस वेयर वी टेक द फूड ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम ऐसा स्थान है घर का जहाँ पे हम बैठकर वहाँ खाना खाते हैं। द डाइनिंग रूम शुड बी नियर टू किचन इन ऑर्डर टू गेट द फूड सर्व मोर कम्फर्टेबली, हमारा जो डाइनिंग रूम है वह हमारे किचन के पास होना चाहिए जिससे आसानी से वहाँ से खाना परसा जा सके। स्टडी रूम, स्टडी रूम इज़ द प्लेस वेयर वी कम्प्लीट आवर स्कूल होमवर्क, स्टडी रूम ऐसा पढ़ाई का जो रूम होता है वह ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आवर पेरेंट्स आल्सो रीड देयर टू रीड द बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वह कई टॉपिक पर, कई मुद्दों पर वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। बाथरूम, बाथरूम इज द प्लेस वेयर वी टेक बाथ, बाथरूम ऐसा स्थान है यहाँ पे हम नहा सकते हैं, नहाते हैं हम। आफ्टर द यूज़ ऑफ बाथरूम वी शुड मेक इट क्लीन एंड ड्राई, हमें बाथरूम के यूज़ करने के बाद, नहाने के बाद हमें बाथरूम को साफ करना चाहिए और अच्छे से उसे सूखा रखना चाहिए। इट्स फ्लोर विल बी स्लीपरी, क्योंकि ये चिकना हो जाता है इसलिए हमें हमेशा इसको साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए। ए गुड हाउस, वी आर लाइक टू लिव इन सच ए हाउस विच इज़ कम्फर्टेबल एंड फुलफिल ऑल आवर नीड्स, एक अच्छा जो घर होता है वह उसकी क्या विशेषताएं होती हैं कि इसमें सारी सुविधाएं हों
और हमारी आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाएं और अच्छे से हम उसमें रह सकें, जैसे कि उसमें अच्छा हवादार हो, सूर्य की उसमें रोशनी मिले और पूर्ण सुख सुविधाएं हों, सुविधा युक्त घर हो, वो क्या कहलाता है, एक अच्छा हाउस कहलाता है। ए हाउस यूजफुल फॉर गुड हेल्थ शुड हैव ए फॉलोइंग क्वालिटीज। एक अच्छा घर होता है वह अच्छी सेहत के लिए होता है, इसके लिए हमें ये विशेषताओं की आवश्यकता होती है। इट यू शुड बी सेफ एंड कंफर्टेबल, वह क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। ए हाउस शुड हैव ए बाउंड्री वॉल ऑफ फेंस ऑल अराउंड टू कीप आउटसाइड एंड एनिमल्स अवे। जो अच्छा एक घर होता है उसमें बाउंड्री वॉल होनी चाहिए जिससे कि बाहर के आवारा जानवर बाहर ही रह सकें, अंदर ना सकें। इट शुड बी सो लोकेटेड एस टू रिसीव एनफ सनलाइट, प्रॉपर एंड क्रॉस वेंटिलेशन हेल्प टू कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स। ऐसा कैसा होना चाहिए हमारा अच्छा घर, की क्या विशेषता होती है, उसमें प्रॉपर सूर्य की रोशनी आए और हवादार हो और ऐसा हो जिससे कि हमारे जो गलत कीड़े मकोड़े हैं, जर्म्स हैं, वह अंदर नहीं आ सकें। देयर शुड बी एनफ डोर विंडो एंड वेंटिलेटर टू लेट इन फ्रेश एयर। अच्छी शुद्ध हवा आने के लिए इसमें दरवाजे होना चाहिए, खिड़कियाँ होना चाहिए और रोशनदान होना चाहिए। डोर एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे मॉस्किटोज। ये जो मच्छर होते हैं उनको और मक्खियाँ होती हैं, वह उसमें क्या हो, वायरिंग हो ढंग से डोर और विंडोज में, तो वह मच्छर और मक्खियाँ अंदर ना आ सकें। देयर शुड बी ए स्लॉप ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम। इसमें क्या होना चाहिए, दिस अलाउ वाटर टू फ्लो आउटसाइड इजीली। जो बाथरूम वगैरह का जो किचन का जो पानी होता है वह उसके लिए निकास की, पानी की निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। द डोर एंड विंडोज शुड हैव शेड टू कीप ऑफ रेन वाटर। और खिड़कियों में दरवाजों में शेड होना चाहिए इसमें, जिससे कि बरसात का पानी अंदर ना आ सके। द गुड हाउस शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर। गंदे पानी की निकास की व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें ए गुड हाउस शुड हैव ड्रेनेज सिस्टम, डर्टी वाटर एंड अवे फ्रॉम द हाउस। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड टू कीप मॉस्किटोज अवे। और इसका ड्रेनेज सिस्टम को हमेशा ढका, इसका हमेशा ढका रहना आवश्यक है। देयर शुड बी, जिससे कि मच्छर मक्खियाँ घर में ना आ सकें। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक ए बालकनी, ए गार्डन और ए कर्टियार्ड इन एन्जॉय फ्रेश एयर एंड सनलाइट। हम इसके आगे स्पेस छोड़ना चाहिए, घर के आगे बालकनी रहनी चाहिए जिससे कि इसमें घूम सकें और फ्रेश एयर ले सकें। क्लीननेस ऑफ द हाउस, अब क्या है, घर की सफाई। इन ए डर्टी हाउस, एक गंदे घर में जो होता है, मतलब गंदगी वाले घर में, पीपुल कैन नॉट कीप देमसेल्फ हेल्दी। मॉस्किटोज फ्लाइज रैट्स एंड मैनी जम्स। जो एक गंदे घर में इंसान इसमें जो हेल्दी नहीं रह सकता है, एक जो जिसमें कि ज़्यादा मच्छर हों, चूहे हों, मक्खियाँ हों और बहुत सारे जम्स रहते हैं और जगह गंदी रहती है, तो इस कारण व्यक्ति एक जो गंदे घर में स्वस्थ नहीं रह सकता। दे माइट मेक देम सिक, बहुत जल्दी में बीमार पड़ जाते हैं लोग। द हाउस बिगिन बैड स्मेल, इसमें से गंदी स्मेल आती है। सो द क्लीननेस ऑफ द हाउस ऑफ एसेंशियल, इसलिए जो इसकी इसमें घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। एवरी वन शुड फॉलो दिस पॉइंट, ये हमेशा इन सारे जो पॉइंट्स हैं ऊपर के नीचे, इनको फॉलो करना चाहिए हमें घर के लिए, यानी कि हमें घर की आवश्यकता होती है। और मेन बात यह है कि हमें घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमेशा घर की सफाई रखनी चाहिए। और इसके लिए आगे जो पॉइंट हैं वो बताए गए हैं, स्वीप द हाउस ऑफ एवरी डे, हमेशा डेली जो है घर की झाड़ू लगनी चाहिए। कीप एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर प्लेस,
कोई भी जो चीज है वह अपने प्रॉपर स्थान पर रखना चाहिए। अगर हम जहाँ से कोई चीज उठा रहे थे उसे वहीं स्थान पर उसी स्थान पर रखना चाहिए। टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी वॉश्ड एवरी डे। टॉयलेट और बाथरूम जो है वो डेली साफ होना चाहिए। थ्रो ए रबिश इन ए डस्टबिन, एक डस्टबिन होना चाहिए जो कूड़ा करकट फेंकने के लिए। गेट द ड्रेन क्लीन विद फिनाइल एवरी डे, हमेशा इससे फिनाइल से सफाई होनी चाहिए। यूज कर्टन्स ऑन द डोर एंड विंडोज टू कीप अवे डस्ट, डस्ट को दूर रखने के लिए दरवाजों और खिड़कियों में पर्दे डले होने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज अराउंड द हाउस, हमेशा अपने घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दे गिव फ्रेश एयर, वे हमें क्या देते हैं, अच्छी ताज़ी हवा देते हैं और हमें प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम डस्ट, और हमें धूल से हमारे घर को बचाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को आया बच्चों समझ में किस तरह से घरों के प्रकार होते हैं और हमें किस तरह से हमारा घर होना चाहिए। हमें अपने घर की हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब हम करेंगे आगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है टेक द राइट ऑप्शन। टेम्प्रेरी हाउस, टेम्प्रेरी हाउस क्या है, स्टैंड फॉर लैंग, डू नॉट स्टैंड फॉर लैंग, या आर नॉट बिल्ट, क्या आएगा इसमें, बी आएगा, क्या आएगा, बी, डू नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, ये हमेशा के लिए नहीं बनते ना टेम्प्रेरी हाउस, अल्पकालीन रहते हैं, कम समय के लिए होते हैं, कच्चा हाउस जिसे कहलाते हैं। परमानेंट हाउस आर मेड अप, परमानेंट हाउस कौन सा कहला, किससे बनता है, बेम्बू से, मठ से, या सीमेंट से, किससे बनता है, सीमेंट से बनता है। पीपुल थर्ड है, पीपुल हु आर सेटल्ड इन वन प्लेस नीड, जो है पीपल, ये जो सेटल होते हैं एक ही जगह पर, वो कौन से घर कहलाते हैं, परमानेंट हाउस, मूवेबल हाउस, या टेस्ट हाउस, टेस्ट द हाउस, ये कौन सा हाउस कहलाते हैं, परमानेंट हाउस कहलाते हैं। द प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन हट, कैव, या नॉट नोन, तो क्या आएगा इसमें, जो आदि मानव था वो कहाँ रहता था, केव आएगी, गुफा में रहता था ना वो। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फर्स्ट है ए, कारवां इज ए हाउस ऑन व्हील्स, क्या आएगा इसमें, कारवां। सेकंड ए, परमानेंट हाउस आर स्टेबल, परमानेंट हाउस जो होते हैं वह स्टेबल रहते हैं। थर्ड ए, कच्चा हाउस आर टेम्प्रेरी, कच्चा हाउस जो होता है वह टेम्प्रेरी रहते हैं। फोर्थ ए, परमानेंट हाउस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़, कहाँ पाए जाते हैं परमानेंट, पक्के घर सिटीज़ में, शहरों में पाए जाते हैं। थर्ड ए, राइट ट्रू और फॉल्स, एक पक्का हाउस मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, सही है ना ये, पक्का हाउस किस किस से बनते हैं, सीमेंट और ईंटों से बनते हैं, ट्रू, सही है ये। सेकेंड ए, वी शुड नॉट कीप सराउंडिंग ऑफ द हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ नहीं रखना चाहिए चारों तरफ, फॉल्स है ये, गलत है, ठीक है। थर्ड ए, क्लीननेस ऑफ द हाउस इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, सफाई जो है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए आवश्यक है, ये सही है, ट्रू आएगा। ए गुड हाउस मेक अस फील कंफर्टेबल, एक अच्छा हाउस जो होता है हमें कंफर्टेबल बनाता है, सही है ये, ठीक है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में पक्का हाउस, पक्का हाउस क्या है, क्या आएगा इसमें, सिटी, क्या आएगा, डी, सिटी। सेकेंड ए, कच्चा हाउस, कच्चा हाउस ये क्या आएगा इसमें, आएगा विलेज, ई, ई पर लगेगा इसमें, विलेज, कहाँ पाए जाते हैं, गांव में पाए जाते हैं। हाउस बोट, हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, वाटर बॉडी, ये जैसे कश्मीर में है ना हाउस बोट रहती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, तो वो कहाँ पाई जाती हैं, इससे क्या मैच होगा, वाटर बॉडी। फोर्थ है रेट, रेट क्या है, हॉल बनाते हैं, चूहे जो हैं बिल बना लेते हैं ना, वो काय पे रहते हैं, बिल में रहते हैं, होल। और फिफ्थ है रबिश, तो क्या आएगा इसमें, डस्टबिन, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड हाउस, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है हमें, वी नीड ए हाउस बिकॉज ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, हीट, स्टॉर्म, एनिमीज एंड स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है। हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि घर हमें गर्मी से, सर्दी से, तूफान से, बारिश से,
और शत्रुओं से और आवारा जानवरों से हमें बचाता है। उसके बाद है हाउ, ये आपको नहीं करना है। थर्ड है राइट फाइव कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड हाउस, एक पांच जो हैं आपको ये बताने हैं कि एक अच्छे घर की क्या विशेषता होती है। इसमें आएगा, आप इधर चलिए, अच्छे घर की विशेषताएं कौन सी होती हैं? इट इज शुड जी हाँ, एक अच्छे घर की क्या विशेषता होती है? अच्छे घर में इट शुड बी सेफ एंड कंफर्टेबल, यह हमेशा क्या होना चाहिए? सेफ और कंफर्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ये आरामदायक और सुरक्षित होना चाहिए हमारा घर। दूसरा है ए हाउस शुड हैव बाउंड्री वॉल और फैंस ऑल अराउंड टू कीप आवर आउटसाइड एंड एनिमल्स अवे, यह कैसा होना चाहिए? एक अच्छे घर की क्या विशेषता है? उसमें बाउंड्री वॉल होनी चाहिए जिससे आवारा जंतु जानवरों को अंदर ना आ सकें। जिससे इसके बाद है थर्ड, डोर एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। डोर और विंडो में वायर की नेटिंग होनी चाहिए जिससे कि मक्खी और मच्छर अंदर ना आ सकें। और इसके बाद है द डोर एंड विंडो शुड हैव शेड टू कीप ऑफ रेन वाटर, रेन जो वाटर उसका बरसात का पानी ऐसा होना चाहिए जिससे कि घर के अंदर ना आ सके। आप इसमें से कोई से भी पांच विशेषताएं लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है व्हाट इज वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन क्या है? अब आप इधर चलिए, वेंटिलेशन इज रोशन, वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन वेंटिलेशन इज वेंटिलेशन हेल्प टू कीप, यहां से वेंटिलेशन हेल्प टू कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इंसेक्ट। वेंटिलेशन क्या सहायता करता है? हमारी जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं और कीड़े मकोड़े हैं, उनसे हमारे घर को फ्री करता है। इसलिए हमारा घर कैसा होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए, इसमें हवादार होना चाहिए जिससे कि मक्खी मच्छर जो कीड़े मकोड़े हैं और ये जर्म्स हैं, वह उससे शुद्ध ताजी हवा से और धूप की रोशनी से वह नष्ट हो जाएं, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो आप लोगों को ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चों। आप लोगों को चैप्टर समझ में आया? इसमें ही बताया गया है कि घर कितने प्रकार के होते हैं और प्राचीन काल में किस तरह से यूज करते थे। आदि मानव जो था वो गुफाओं में रहता था, उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने अपने घर बनाना शुरू करा ईंटों से, पत्थर से, सीमेंट से, धातु से। और घर के प्रकार किस तरह से होते हैं, किस तरह से अलग अलग आप पर्पज से अलग अलग रूम होते हैं, जैसे किचन में खाना बनता है, बेडरूम में हम सोते हैं, ड्राइंग रूम में हम बैठते हैं, मनोरंजन करते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, स्टडी रूम में हम पढ़ाई करते हैं, बाथरूम में हम नहाते हैं। इस तरह से अलग अलग बातें बताई गई हैं। और अच्छे घर की क्या विशेषता होती है? हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रखे, रोशन जो हमें स्वस्थ रखे, ऐसा घर कैसा होना चाहिए? जहाँ पे धूप की रोशनी आए, सूर्य की रोशनी आए और हवादार हो, ठीक है बच्चों। आप लोगों को चैप्टर समझ में आया, आप उससे करिए, लिखिए और याद करिए और अच्छे नंबर मार्क्स लेकर आइए, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।